fluid is sent to the pipe like this. Now देखिए शुरुआत में फ्लूड एंटर कर रहा है तो किसी ना किसी प्रेशर P1 से एंटर कर रहा होगा. सो द प्रेशर विच इज एक्टिंग एट द इनलेट ऑफ द पाइप दैट इज P1. और जब फ्लूड एग्जिट करेगा तो एग्जिट करते समय भी पाइप पे प्रेशर लगाए. जैसे भाई आप लोगों ने देखा है कि जो फायर एक्सटिंग्विशिंग वाले लोग होते हैं, जो फायर ब्रिगेड होती है, वो फायर ब्रिगेड जब भी पाइप को पकड़ती है, पाइप को ऑन करती है, वहां से पानी जैसे ही नोजल से बाहर आने लगता है तो वो 3-4 लोग पाइप को पकड़ के रखते हैं. दैट मींस जब पानी बाहर की तरफ आता है तो पानी पीछे की तरफ प्रेशर भी लगा. तो जब एक तरफ से पानी बाहर आएगा, फ्लूइड बाहर आएगा, तो वहां पर प्रेशर भी लगाएगा. देखिए यहां पर प्रेशर लगा इनलेट के टाइम पे भी और आउटलेट के टाइम पे भी. अब मैं क्या करता हूं, यहीं पे ये निकालता हूं फोर्स एक्टिंग एट इनलेट. इनलेट पे फोर्स कितना लगेगा? So Fi will be equal to pressure into area, and as a force acting at outlet, so yoga Fo will be equal to P2 into area. ये मेरे पास दोनों forces की value आ जाती है. Net force अगर मैं देखूँ opposite direction में लग रहे हैं, तो net force हो जाएगा Fi minus Fo, and this will be equal to P1 A1 minus P2. A2, and this will be the net force. This will be the net force which is acting on this particular pipe. पीछे की तरफ से F1 force, आगे की तरफ से F2 force, और ये F1 F2 forces एक दूसरे को क्या करते हैं? Subtract करने की कोशिश करते हैं, because both are acting in the opposite directions. बताइए ये बात सबको clear है कि नहीं? ये मेरे पास नेट फोर्स है. अब मैं छोटी सी बात और करने जा रहा हूं, ध्यान से. मैं मानता हूं कि फ्लूइड थोड़ा सा यहां क्या कर जाता है, फ्लूइड थोड़ा सा यहां पर डिस्प्लेस करता है इतने से रीजन में फ्लूइड क्या कर जाता है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाता है. दैट मींस फ्लूइड क्या कर गया, डेल्टा टी थिकनेस के अंदर या डेल्टा एक्स थिकनेस के अंदर डिस्प्लेस कर गया. जितना डिस्प्लेसमेंट यहां फ्लूइड का होगा, दूसरे एंड पे भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट आएगा फ्लूइड का. सो लेट अस से द फ्लूइड इज डिस्प्लेस्ड बाय डेल्टा एक्स डिस्टेंस. सो द फ्लूइड इज डिस्प्लेस्ड बाय डेल्टा एक्स डिस्टेंस. ऐसा अपन ने मान लिया फ्लूइड को कितना माना, कितने से डिस्प्लेस होता हुआ माना, डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस होता हुआ हमने अज्यूम कर लिया. अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम दैट इज व्हाट एवर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. जो भी वर्क डन आप सिस्टम पे करते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है. यहीं से अब इक्वेशन बनाई जाएगी. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स यहां पर कितना, P1 A1 माइनस P2 A2. डिस्प्लेसमेंट कितना, डेल्टा एक्स. डिस्प्लेसमेंट कितना, डेल्टा एक्स. बेटा सब लोग थोड़ा वेट करेंगे, यहां पर बहुत लैग हो रहा है, हमें तो 2 मिनट. तो हमने सबसे पहले देखा कि यार वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाना है तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा व्हाट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम. उसको निकालने के लिए हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से फॉर्मूला निकाल लिया. नेक्स्ट आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए शुरुआत में कोई सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी इन दी और वी कैन से ऑन द आउटलेट इनलेट स्टेट. इनलेट स्टेट पे सिस्टम की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी और ऐसी सिमिलरली आउटलेट स्टेट में भी होगी. ऐसे ही सिमिलरली क्या होगी, आउटलेट स्टेट पे भी होगी. सो दोनों स्टेट्स पे मेरे पास क्या दिखेगा, मुझे यहाँ पर सिस्टम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखने को. शुरुआत पे काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, बाद में काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो जाएगी. तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ,
डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखूंगा हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। ठीक है, मास कैन बी रिटन एज, देखिए मैं यहाँ पर कॉमन क्या ले रहा हूँ, हाफ वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, और एम की जगह पर लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, वी कट से डिनोट किया है मैंने, हाफ वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, और मास की जगह मैं लिख देता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलिए अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, या क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, यही होता है हमारे पास, मास इनटू वॉल्यूम करते हैं ना अपन, वही चीज अपन ने यहां पर की। आइए ध्यान से देखिए, तो ये मेरे पास यहाँ पर देखिए शुरुआत में भी कुछ एक वॉल्यूम आ रहा है जो कि डेल्टा एक्स के कोरस्पॉन्डिंग है, बाद में भी कुछ वॉल्यूम आ रहा है जो कि डेल्टा एक्स के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब जो फ्लूइड है वो दोनों ही तरफ सेम रेट से बाहर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर डेल्टा एक्स का ही यूज कर दूंगा और मेरे पास रो इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा। सिमिलरली मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब निकालूंगा तो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, that will be mg z2 minus mg z1, यहां से mg कॉमन ले लो, z2 minus z1 मेरे पास इक्वेशन में आ जाता है, m को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी into वॉल्यूम into z2 minus z1 into g, वॉल्यूम को इन द नेक्स्ट वी कैन रिप्लेस इट बाय डेल्टा x, सो दिस इज रो into डेल्टा x into z2 minus z1 into g, ये बनी एक इक्वेशन, ये बनी दूसरी इक्वेशन, और ऊपर वर्क डन की तीसरी इक्वेशन बनाई थी, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, इन तीनों को हम क्या करने वाले हैं यहां पर, इक्वेट करने वाले हैं। कैसे इक्वेट करने वाले हैं, ध्यान से देखना और समझना, कैसे इक्वेट करने वाले हैं ध्यान से देखना और समझना। मैंने यहां पर लिखा वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन मतलब P2A2 minus P1A1 multiplied by delta x is equal to half rho V2 square minus V1 square into volume ले लो, volume एक बार लेने देते V cut से denote कर देते, plus change in potential energy which is rho V cut into Z2 minus Z1 into G। ये पूरी इक्वेशन, तीन इक्वेशंस मैंने बनाई थी, उनको वर्क एनर्जी थ्योरम में बस अप्लाई कर दिया, जैसे ही अप्लाई किया मेरे पास इक्वेशन बनती है P2A2 into delta x minus P1A1 into delta x is equal to half rho V2 square minus V1 square into V cut plus rho V cut into Z2 minus Z1 into G। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है तो आप लोग थोड़ा बेयर करें, नेटवर्क थोड़ा सा आपको स्लो देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि आपको नेटवर्क थोड़ा सा स्लो लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए यहां पर मेरे पास इक्वेशन बनती है a2 into delta x इधर बन रहा है a1 into delta x, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली वॉल्यूम में तो है, ये किसको दर्शा रहा है, वॉल्यूम को तो दर्शा रहा है, ये बना p2 minus p1 into v cut is equal to half rho v2 square minus v1 square into v cut plus rho g z2 minus z1 into v cut, पूरी से वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है, मेरे पास इक्वेशन बनती है, मेरे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है P1 minus P2, मैं P1 minus P2 क्यों लिख रहा हूं, ऊपर तो P2 minus P1 लिख रहा था, we are considering that P1 is greater than P2, ऐसा मान रहे हैं कि P1 जो है वो P2 से बड़ा है, तो वर्क डन जो है वो ज्यादा किसका होगा, प्रेशर P1 का होगा, तो मैं यहाँ पर P1 minus P2 बराबर half rho V2 square minus half rho V1 square plus rho G Z2 minus rho G Z1 ये लिख सकता हूँ। P1 वाली टर्म्स को एक तरफ ले आऊंगा तो बनेगा P1 plus half rho V1 square
प्लस रो जी जेड वन इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी जेड टू, ये बन जाती है एक इक्वेशन एंड दिस इज नोन एज द बर्नौलीज इक्वेशन। ये मेरे पास बर्नौली इक्वेशन कैलकुलेट हो गया। रुकिए मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन को थोड़ा सी इक्वेशन, इसी को हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। बेसिकली बर्नौली इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि किसी भी एक फ्लूइड सिस्टम के अंदर प्रेशर हाफ रो वी वन स्क्वायर और रो जी जेड वन इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, दिस इज ऑलवेज ए कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज द बर्नौलीज इक्वेशन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रेशर मतलब प्रेशर एनर्जी हाफ रो वी टू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एंड रो जी जेड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन चीजें किसी भी फ्लूइड फ्लो के सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। द प्रेशर एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स सेम इन ए पर्टिकुलर सिस्टम। हमेशा एक पर्टिकुलर फ्लूइड फ्लो के सिस्टम में आपको ये तीन चीजें हमेशा कांस्टेंट दिखेंगी। ये लॉजिक है इसके पीछे, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड बर्नौलीज इक्वेशन। किसी को भी यहाँ पर डाउट है तो डाउट वाले बच्चे हैंड रेज करके बताएं मुझे।